मुबारक हो तुमको, तुम नानी बन गई हो। नानी? हाँ, वो अंदलीप के यहाँ खुशखबरी आने वाली है भाई। ओ अच्छा, मैं समझी कि तुम्हें जारा का ख्याल आया होगा। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं दीपू की तरफ, तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो ना। सलीम नजर नहीं आ रहे, सलीम कहाँ है? वो सलीम तो अभी घर पे नहीं है, आने वाले हूँ। सलामुलेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, खैरियत? जी जी, आप पर नानी बनने वाली हैं। अम्मी व जमाल भाई लोग बताने के लिए आए हैं, अंदलीप के यहाँ खुशखबरी है। ओ बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। खैर मुबारक। चलो तैयबा, चलें फिर। इस वक्त तो इस वक्त क्या है, सलीम घर पे नहीं है, अम्मी का ख्याल आ गया मुझे। मेरा फिक्र ना करो तुम। ये तो अकेले रह लेती हैं। हाँ चलो, मैं जरा जारा को कॉल कर लूँ, हॉस्पिटल में ही होगी ना। नहीं, जारा को रहने दो। अस्सलाम वालेकुम मैडम खाना। अरे ये तो घर पे है। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम खालू। ये तो मैं भी बहुत मुबारक। जरा लाडो खान आई है बताने के लिए कि अंदलीप के यहाँ खुशखबरी है। जी सुना मैंने, आप जाए, मैं दादो के साथ चले। चलो भाई, तुम लोगों को बहुत मुबारक। थैंक यू अंकल। तुम्हारी अम्मी से भी बात हुई थी मेरी, अब तो वो भी आ रही है। बात है इतनी खुशी की, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, सदा सलामत रहो। हाँ, इतने अरसे के बाद तो हमारे घर में कोई खुशी की खबर आई है। बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो तुम दोनों को। हाँ मेरी। थैंक यू। आपको पता है मेरे अल्लाह, मेरे दिल में क्यों शक पैदा हो रहा है? मैं जानता हूं अंदलीप एक कसूर है, तो कॉलेज जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने उसे कॉलेज भेजा, एतबार देकर। तो फिर ये बेएतबारी क्यों? वसवसों ने मुझे क्यों आ घेरा? मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि मेरा बाप बनना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। लेकिन सब कुछ खुला के ये क्यों सोच रहा हूं? ये खुदा ना ख्वास्ता, ये मेरा बच्चा, मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता। बल्कि मैं तो तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूं कि तूने मुझे औलाद से नवाजा। अल्लाह मेरी गलतफहमी दूर कर दे, मेरे दिल को सुकून दे दे।